स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, और उससे पहले नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर को लेकर बात कर लेते हैं, और ये खबर आ रही है उत्तराखंड से। यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में पाला पड़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। वहीं पंजाब में अनेक इलाकों में काफी घने कोहरे की संभावना लगातार बनी हुई है। वहीं तीसरी खबर हरियाणा से आ रही है, यहाँ पर छिटपुट जगह पर काफी ठंडा दिन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं बिहार में इक्का दुक्का स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। और इसके साथ ही पांचवी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो पांच बड़ी खबर आपने जानी, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप हमारे पीछे नक्शा देख पा रहे हैं, तो इसमें देखकर हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर, किस जगह पर सर्दी को लेकर फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है और कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हरियाणा, पंजाब और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर ज्यादा ठंड है और इसके साथ साथ कई जगह ऐसी जहां पर शीतलहर जो है वो चल रही है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम जगह पर शीतलहर चल रही है। पूर्वोत्तर के जो हिस्से आप देखेंगे तो यहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, चाहे बात आप मेघालय की कर लीजिए या त्रिपुरा की बात कर लीजिए, उप हिमालय, सिक्किम और इसके साथ साथ तमाम जगह की कर लीजिए, तो यहां पर नजर बनाकर रखने की ज्यादा जरूरत है। तो ठंड को लेकर और किन किन जगह पर क्या कुछ रहा वो सब आपने जाना, अब जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान यानी कि आने वाले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति बनी रह सकती है वो आपको हम अपने इस सेगमेंट में बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत में आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फरबाद, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर अभी बरसात का कोई अनुमान नहीं है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो अभी यहाँ पर बारिश नहीं है। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जगह पर अभी बरसात की कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल, चाहे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालाँकि जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं, दक्षिण के ज़्यादातर जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी बरसात नहीं होगी। इसके साथ ही हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में बारिश को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जब आप पश्चिम की तरफ रुख करेंगे या मध्य भारत की तरफ रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो जगह है, ज़्यादातर जगह पर अभी फिलहाल बरसात की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान की बात हो या फिर पूर्वी राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दमन, दीव, इन तमाम जगह पर बारिश नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ स्थिति रही। तो आप हमारे पीछे जैसे कि नक्शे में देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जगह पर जो है कड़ाके की ठंड पड़ी है, शीतलहर चली है कई जगह पर। आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तमाम जगह पर शीतलहर चली है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ी है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जोरदार ठंड पड़ी है। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो बिहार का रुख कर लेते हैं, बिहार, असम, ये जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी जोरदार जो कोहरा है वो पड़ा है, शीतलहर जो है वो चली है पिछले 24 घंटे में। कहाँ पर किस तरीके की स्थिति रही, मौसम की क्या कुछ चाल रही वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो मौसम की चाल, कहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी रही पिछले 24 घंटे में, कहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ी, कहाँ पर पाला पड़ा, कहाँ पर बारिश हुई, वो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़ोरदार ठंड पड़ी और कोहरा छाया रहा, तो यहाँ हमने आपको बताया मौसम की चाल। अब आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जान लेते हैं अब तापमान का हाल। तो सबसे पहले न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के जो कुछ हिस्से हैं, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, लेह लद्दाख, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया और उत्तराखंड में भी यही तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी रही। और आप देखेंगे कि कोंकण और गोवा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। गुजरात, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अब सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये पंजाब के अमृतसर में दर्ज किया गया 1.4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम न्यूनतम तापमान आपने जाना, अब अधिकतम तापमान जान लेते हैं कि कहाँ पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या रहा। हरियाणा और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थिति हम बता रहे हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, दमन द्वीप और कच्छ में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम तापमान की स्थिति जानिए आपने। अब आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में तापमान को लेकर क्या कुछ स्थिति रही। अभी जाना आपने तापमान का हाल, अभी और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहां जाए रिश्ता बढ़ाए। गोल्डी मसाले। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और सेगमेंट में हम आपको पर्यटन पूर्व अनुमान की जानकारी देंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां का आने वाले 4 दिन में किस तरीके का वेदर है, पर्यटन पूर्व अनुमान क्या कुछ है, ताकि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लद्दाख के लिए अगर आप जा रहे हैं तो शनिवार को फॉग भी रहेगी और धूप भी रहेगी, हालांकि रविवार के दिन अच्छी खासी धूप खिल जाएगी। सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर से मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो -10 से -11 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। मनाली अगर आप जा रहे हैं तो शनिवार को मिला जुला मौसम रहेगा, हालांकि रविवार सोमवार चटक धूप रहेगी, मंगलवार को बारिश हो सकती है, कोहरा रह सकता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो शुरू के 2 दिन 14 डिग्री सेल्सियस, फिर 15, फिर चौथे दिन मंगलवार को एक बार फिर से 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 1 से -1 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट हो सकता है। पंजाब के अमृतसर अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन फॉग वाले रहने वाले हैं, हालांकि मंगलवार को अच्छी खासी धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 11 से 16 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो यानी कि अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो शनिवार से मंगलवार तक किस तरीके का मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिन में, वो आपने अभी जाना। अब आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आने वाले 4 दिन यानी शनिवार से लेकर मंगलवार तक फॉग वाले दिन रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान 18 से 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो दिल्ली अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जाना। मणिपुर के इम्फॉल अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ भी इसी तरीके का वेदर रहेगा, फॉग वाला मौसम रहेगा, ठंड रहेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 21 तक फ्लक्चुएट कर सकता है और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इम्फॉल में शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का पर्यटन की दृष्टि से वो आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के ऊटी का रुख कर लेते हैं। हालांकि शनिवार यानी कि पहले दिन फॉग वाला मौसम रहेगा, लेकिन रविवार से मंगलवार के दिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ी धूप जो है वो भी देखने को मिल सकती है। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 1 समान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 9 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके बाद केरल के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो रवि यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देखेंगे कि मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। चारों दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 से लेकर 25 के आसपास जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। पहले दिन 25, फिर 24, फिर बाकी के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस कन्नूर में मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन जो है अच्छी खासी धूप रहेगी, शनिवार से लेकर मंगलवार तक मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 35 के बीच रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 18 से 22 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मुंबई में आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर पूर्व अनुमान अभी जाना आपने। मुंबई के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर का। यहाँ पर चारों दिन सनी डे रहने वाले हैं, अधिकतम तापमान 30 से 31 के बीच रह सकता है, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो अधिकतम तापमान है पहले दिन 31 रहेगा, बाकी के तीन दिन 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है चारों ही दिन 14 डिग्री सेल्सियस एक समान पोरबंदर में रह सकता है। तो ये तो आपने जाना पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्व अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है खेती किसानी। तो केरल और कर्नाटक के किसानों को अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ राय है, अच्छा मुनाफा अच्छी फसलों से कैसे पाया जा सकता है, तमाम जानकारी हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक में धान की खेती के लिए खेत तैयार करें, किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें, साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक में गेहूं की बुआई कर सकते हैं, इसके अलावा गन्ने की कटाई करें। किसान बाजरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, बाजरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ लोबिया के खेत में निराई कर लें, लोबिया के खेत से खरपतवार निकालें, वहाँ अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी अमरूद के बागों में सिंचाई करें, केरल में धान की कटाई करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान के खेत में सिंचाई करते रहें, धान के खेत से ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। यहीं नारियल के खेत में सिंचाई करें, केरल में केले के बाग में सिंचाई कर सकते हैं, इसके साथ ही रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें, रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। किसान सुपारी की बुआई करते रहें, सुपारी के खेत में सिंचाई कर लें। केरल में टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो कर्नाटक और केरल के किसानों को अपनी फसलों की देखभाल के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, वो सब आपने जानकारी इस रिपोर्ट में जानी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है हरी प्याज। तो यहाँ आपको बता दें कि जो समय इस वक्त चल रहा है वो पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं उनकी बुवाई का समय चल रहा है, ऐसे में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। इस फसल के लिए और इसकी बुवाई के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एक्सपर्ट्स की क्या कुछ राय है, वो सब जानकारी हम आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखाते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। एक हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। एक हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो अभी आपने जाना हरी प्याज को लेकर किसान किन किन बातों का ख्याल रखते हुए अच्छी फसल अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप ये शो एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और इस कार्यक्रम में दिखाए जाने वाली तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।